अंधेरे कमरे में बैठकर रोती थी गुलपनाग, इतने मुश्किल दिनों में गुजार रही है अपनी जिंदगी। जी हाँ, गुलपनाग बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने अभी तक अपनी जिंदगी में सफलता के कई मुकाम देखे। मिस इंडिया के खिताब से लेकर शानदार बाइक राइडर तक, पायलट है और एक्टिंग में भी अपना दमखम दिखा चुकी है। गुलपनाग ने अपनी पोस्ट के साथ बिना मेकअप और नो फिल्टर सेल्फी शेयर की और उस वक्त का जिक्र किया जब वो खुद को बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रही थी, जिस पर खुद गुलपनाग ने खुलासा करते हुए कहा कि कुछ वक्त तो ऐसा था कि वो बंद कमरे में अकेले रोती रहती थी। उसने अपनी इस पोस्ट में काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और अपने बुरे वक्त को लेकर खुलासा किया। गुल ने कहा कि ऐसा समय से निकलने के लिए मेरे पास टिप्स हैं जो मुझे मेरी जिंदगी से मिली। सबसे पहले रनिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। थोड़ा ब्रेक लें और सोचें कि आपका लक्ष्य आखिर क्या है। गुल ने आगे ये भी लिखा कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने भी हार का सामना किया है। ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो सके। पायलट बनने के लिए मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी, इसका लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं था। इसके लिए मुझे 5 साल तक मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले अपने लक्ष्य को तैयार किया और उस लक्ष्य को पाने के लिए जुट गई। बॉलीवुड के अलावा गुलपनाग राजनीति में भी अपना हाथ आजमा चुकी है। 2014 में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ा था जिसमें हार का सामना करना पड़ा। गुलपनाग जुर्म डोर, अब तक 56, फिर जिंदगी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी है। नेक्स्ट टाइम लाइव, सुरजनी की रिपोर्ट।